कि चल के रांची, चल के रांची, चल के रांची, चल। लड़की देखो, परकटी लड़कों के लंबे बाल, लंबी लंबी छोड़े यहाँ का हर कंगाल। ये टाइट हो गया, लंबी लंबी छोड़े यहाँ का, ये टाइट हो गया। सड़कें टूटी फूटी और सूखे हैं पानी के नल, चल के रांची, चल के रांची, चल के रांची, चल। तुम्हें खाने पे दस्तरस है, जायका वायका बड़ा जानते हो, तो फिर ये बताओ कि इस देसी खाने के बारे में क्या जानते हो। हलीम, बिरयानी, पुलाव, नहारी, ये सब जानना तो अहम है, मगर क्या कबाब किंग का पता जानते हो? Subscribe to our fascinating and informative vlogs. Join us as we explore the world. Hit the subscribe button now. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ यूएसए में अटलांटा में हम एक होटल पे आए, इन्होंने दावत दी है खाने की। क्या नाम है आपका? कमर, कमर हयात। कमर हयात कराची के हैं ये। इनको, इन्होंने एक नज़म लिखी है कराची पे, बड़ी ज़बरदस्त। अभी सुना रहे थे खाना आने से पहले, तो ज़रा आप लोग भी सुने जी। यहाँ इन्होंने बड़ी मेहनत करके अपना बिज़नेस शुरू किया है, बहुत मेहनत, 10 साल की इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कारगुजारी सुनाई कराची से। 2010 में आ गए थे ये जी, अलहमदिल्ला। तो बहुत मेहनत की इन्होंने, खुददारी। और जनरल स्टोर में शराब इनको बेचना पड़ रही थी, तो इन्होंने वहाँ से छोड़ दी वो जॉब, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद से फिर हाथ पांव मारे और अपना काम शुरू किया, और आज अल्लाह ने इनको बड़ा नवाजा, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रा सुनाएं जी कराची पे। जी ज़रूर। पहले वो वाक्य सुनाएं, तुर्की से जब आप कराची जा रहे थे तो लड़कों ने आपसे कहा ये नज़म जी। तुर्की से जब मैं, हुआ ये कि भाई मैं इकोनॉमी क्लास में कराची जा रहा था, और मुझे पता भी नहीं था कि मैं फेमस हो चुका हूँ या लोग मुझे जानते हैं, एक नॉर्मल था। लोग में सुना शायरी, शायरी से थोड़ा फेमस हुए कराची पे, शायरी से, बिरयानी पे और कराची पे इन्होंने शायरी की, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सिलसिला ये था कि जब मैं इस्तांबुल एयरपोर्ट पे से कराची वाली फ़्लाइट में रवाना हुआ, तो कुछ दोस्त आ गए, उनमें से एक का नाम तारिक मुझे याद आ रहा है। तारिक भाई बहुत शुक्रिया, आज मुफ्ती साहब के तवस्सुस से और मज़ीद सोशल मीडिया पे हम जा रहे हैं। तो सिलसिला ये हुआ कि उन्होंने जहाज़ में जिस वक्त फ़्लाइट उड़ रही थी, उस वक्त आके मुझसे ये वाली बात की कि कमर भाई वो चल कराची की नज़म सुना दें। तो मैंने उसको बाहर मना किया और कहा कि फ़्लाइट है, लोग सो रहे हैं। तो उसने कहा कि नहीं कमर भाई सुना दे। उन्हीं में एक लड़का और था जिसने कहा कि अच्छा जब ये खाना देने आए फ्लाइट में, उस वक्त आप, मैंने कहा चलें ठीक है, जब जागे होंगे तो मैं सुना दूंगा। और मामला यहीं नहीं रुका, वो आ गए। आने के बाद इन्होंने कहा कि कमर भाई सुनाएं, तो बल्कि फिर तारिक ने कहा कि मैं अनाउंस करता हूँ। फिर उसने जिस स्टाइल में अनाउंस किया वो एक बड़ा ज़बरदस्त था कि कराची का लाल हमारे साथ है, वो कराची वाला हमारे साथ है। तो वो बड़ा अच्छा लगा मेरे को उस वक्त के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने जो नज़म सुनाई वो आपकी नज़र, कि चल कराची, चल कराची, चल कराची, चल, यही मेरा लंदन है, यही बनेगा पेरिस कल, चल कराची, चल कराची, चल कराची, चल। चल कराची बोलते पूरे जहाज में से आवाजें आती है, पूरे जहाज, सब सारे साथ मेरे बोलते थे। आप लोग भी साथ बोलिएगा, अच्छा लगेगा मुफ्ती साहब की वीडियो में, अगली लाइनों में अच्छा लगेगा। एक मिनट, मजा है, कराची वाले तो है ना भाई। और कहा कि लालू खेत यहाँ का दिल है, देख जरा तू आके, समंदर भी दिखलाऊंगा जन सी व्यू ले जाके, हुसैनाबाद और बंस रोड के खाने तुझे खिला के, फिल्में भी दिखलाऊंगा बंदर रोड ले जाके, कायद का मज़ार यहाँ पे, गाजी का दरबार है, आना है तो आज ही आ जा वरना तू पछताएगा कल, चल कराची, चल कराची, चल कराची, चल। और लड़की देखो परकटी, लड़की देखो परकटी, लड़कों के लंबे बाल, लंबी लंबी छोड़े यहाँ का हर कंगाल। ये टाइट हो गया, लंबी लंबी छोड़े यहाँ का हर, ये टाइट हो गया। लड़की देखो परकटी, लड़कों के लंबे बाल, लंबी लंबी छोड़े यहाँ का हर कंगाल, लोड शेडिंग में यारो जीना बड़ा माल, कल हुआ था फट्टा आज हो गई हड़ताल, सड़कें टूटी फूटी और सूखे हैं पानी के नल, चल कराची, चल कराची, चल कराची, चल। और पठानों की है मेहनत, मकरानी की गदा गाड़ी, पंजाबी भाई भी आके लगाते हैं अधियाड़ी, सिंधी सराय की बलोची और मेमन काठियावाड़ी, धोती भी यहाँ मिलती और बंगालन की साड़ी, महाजरों की शान है ये मिनी पाकिस्तान है, सारा मुल्क सो जाता है, जागता है हर पल, चल कराची, चल कराची, चल कराची, चल। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त हो गया, ख़ानदानी हो गया। बिरयानी से पहले आपने बिरयानी खिला दी, क्या बात है। ठीक है भाई, ये सब लोग आए हैं दोस्त अहबाब। हाँ बिरयानी के सुनाए, बिरयानी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम। और मैं अगर ये वाले इंट्रोडक्शन नहीं कराऊंगा तो बहुत बड़ी ज़्यादती करूंगा कि उल्मा जो हैं वो अंबिया के वारिस, और अल्हम्दुलिल्लाह एक वो आलिम हमारे दरमियान मौजूद है कि मैं जिस तरीके से शेखुल हिंद की बात करूं, जिन्होंने मदरसा देवबंद की बुनियाद रखी, बिल्कुल उसी सिलसिले को जब पाकिस्तान वजूद में आया तो पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से बहुत सारे मदारिस की बुनियाद रखी गई, जिसके अंदर ख़ास तौर पर मैं ज़िक्र करना चाहूँगा हमारे पास न्यू टाउन बिन्नौरिया टाउन, जामे बिन्नौरिया का, और उसी तरीके से मैं ज़िक्र करना चाहूँगा जामे रशीदिया का, और मैं ज़िक्र करना चाहूँगा
थानवी मस्जिद का और मैं ज़िक्र करना चाहूँगा, यहाँ पर जो हमारे पास दारुल उलूम है जिसके मुफ्ती तकी उस्मानी साहब करता धरता है, ऐसे बहुत सारी जगहें। और जामे रशीदिया की ख़ास बात मैं यहाँ पर आपको एक और बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती रहीम साहब जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिनके शागिर्द हमारे सामने मौजूद हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इज़्ज़तें और जो बुलंदियाँ दी हैं वो दुआओं की बदौलत हैं और वो उस तकवे की बदौलत हैं जो बरमला सच कहते हैं। मुफ्ती साहब मेरे साथ मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे लिए जो खुशी का आलम है, मेरे पास अल्फाज नहीं है आपके साथ बयान करने के लिए। मदरसा जामे रशीदिया की जो बुनियाद है, जामियतुर रशीद की जो बुनियाद है वो रशीद अहमद लुधियानवी साहब ने रखी थी अल्हम्दुलिल्लाह, और जो गुलदस्ता लगाया था उस गुलदस्ते का एक खूबसूरत फूल मेरे सामने मौजूद मुफ्ती साहब की शक्ल में है। मुफ्ती साहब अगर कोई कमी रह गई है या गलत बोल गया हूँ, ज्यादती रह गई है तो उसके लिए माजरा, थोड़ा सा कम कर लें, बस कम कर लेता हूँ। क्या आपके बुलंदियों पर यकीन रखता हूँ मगर पाँव के नीचे ज़मीन रखता हूँ, आते रहा करें मुफ्ती साहब आपको अपने दिल में मकीन रखता हूँ। ये मुफ्ती साहब की मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे दोस्तों आपको मालूम है कि मैं यहीं से शुरू करता हूँ कि खुदावंदा तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, तेरा बंदा हूँ तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ, फ़कत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ। और आपकी नज़र कुछ यहाँ से करूँगा कि तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए जो तने तना मालिक के सातों आसमानों का और सातों ज़मीनों का, जो कुछ आसमान की बुलंदियों में उन सब का, जो कुछ ज़मीन की वसतों में उन सब का, जो कुछ ज़मीन और आसमान के दरमियान में उन सब का, और लाखों दुरूद और सलाम मोहम्मद अरबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिनकी मदा खुद खाली के कायनात करता है, वो मुरसलीन का इमाम जिसकी इक्तिबा में तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम है, हर बुराई को दिया आदेश निकाला जिसने, जगमगाते हुए इंसान को संभाला जिसने, कर दिया मगरब और मशरक में उजाला जिसने, आदमियत को एक नई तर्ज पर ढाला जिसने, उसी इंसान को महबूब खुदा कहते हैं जब नाम सुनते हैं तो सब सल्ले आला कहते हैं। अल्लाहुम्म सल्ले आला सैयदिना मौलाना मोहम्मद वबारक वसल्लम वसल्ले अलैह। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्तों मुफ्ती साहब से बात हो रही थी और बात 10 मिनट गुजरने के बाद वो वाली कैफियत थी कि ऐसा मालूम हो रहा था कि एक उस्ताद शागिर्द का रिश्ता हो या एक दोस्त का रिश्ता हो जो इनकी मोहब्बत है, और जिस तरीके से मैंने इनका खुलूस पाया मेरे पास अल्फाज नहीं है मुफ्ती साहब। अच्छा, वो बिरयानी पे शेर सुनाएं जल्दी से। बिरयानी पे सुनाता हूँ, शुरू में कहा था जी, मैं बिल्कुल सुना देता हूँ। शुरू में कहा था कि मुसाफिर हूँ सफर, लोगों को बता दें प्याज है प्याज जी, मुझसे पता नहीं क्या खा सब चीज़ें नोट कर रहे होते हैं। मुसाफिर हूँ सफर करके बहुत ही दूर आया हूँ, ना दर पे हूँ ना घर पे हूँ, बेबालों पर बेसाया हूँ, और मोहब्बत है मेरा मतलब यही पैगाम लाया हूँ, मैं दिल वालों को देख के खाने खिलाने आया हूँ। माशाल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो देगे भी कराची से आ गई, और मुफ्ती साहब को भी आज हम बिरयानी ट्राई करा रहे हैं, उसके बाद मुफ्ती साहब का रिव्यू लाजमी लेंगे हम इंशाल्लाह, जो भी उसमें करेक्शन होगी वो खामोशी से ले लेंगे इंशाल्लाह, तो टेस्टिंग हो जाएगी लेब में इंशाल्लाह। पुलाव हलीम बिरयानी, और पुलाव हलीम बिरयानी पे कहा कि हलीम से या बिरयानी से, पुलाव से या नहारी से, जिससे चाहे यारी रख, और अगर मीठे का शौकीन है तो गाजर का हलवा और रबड़ी चख। मेरे दोस्त अर्ज मेरी इतनी है कि कबाब किंग आने का सिलसिला जारी रख, और कहा कि तुम्हें खाने पे दस्तरस है, जायका वायका बड़ा जानते हो, तो फिर ये बताओ कि इस देसी खाने के बारे में क्या जानते हो, हलीम बिरयानी पुलाव नहारी ये सब जानना तो अहम है मगर क्या कबाब किंग का पता जानते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब मैं तो सुनाता रहूँगा, और सुबह बहुत ज़्यादा सुबह तो नहीं, बहुत बड़ी बात हो जाएगी, 2-4 घंटे गुजार दूंगा। मैं कुछ इस तरह सुनाता हूँ कि सिलसिला ये हुआ कि मैंने शायरी मजाक में शुरू की, उसके बाद सामने से बहुत सारे दोस्तों ने आके मेरे लिए शायरी की। अच्छा, एक दोस्त ने कहा कि कमर भाई मैंने आपके लिए 2 लाइनें, मैंने कहा प्लीज़ सुना दे भाई, तो उन्होंने सुनाई कि जली को आग कहते हैं, बुजी को राख कहते हैं, जो तुम बिरयानी बनाते हो उसे लाजवाब कहते हैं। मैं बहुत शुक्रिया, थैंक यू भैया। एक और दोस्त ने कहा कभी रोटी के टुकड़े में, कभी सालन के प्याले में, तेरे हाथों का जायका हर निवाले में, तो ऐसी ऐसी बातें मैंने अल्लाह ने कहा, अल्लाह का बहुत हो रही है, तारीफ़ों के पुल बन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो और मैं बस शुक्रिया कह रहा हूँ, मेरे पास कोई लाइनें नहीं है। रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे 2 लाइनें दी, वो आपकी नज़र और आपकी ज़हमत है तमाम, कि ना पकाने में बहुत महारत है, कि ना पकाने में बहुत महारत है, ना दिलों पे राज करता हूँ, बस खुदा साथ देता है, मैं दिल से काम करता हूँ। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपकी मोहब्बत क्या आपने यहाँ पे भी लाइव में ले लिया। और तो आपने शायरी कहाँ सीखी? ये खुद ही असल में कोविड के दिनों में? नहीं, बहुत पहले से। अच्छा, अच्छा। वही बचपन का जमाना है। मैं असल में तकरीर वाला बंदा हूँ, मैंने हाँ वो भी सारे आते, मैं बंदा हूँ तकरीर वाला, तो मैंने तकरीरें बड़ी की हुई हैं, तो मैं वो वाले बंद देखता था, वो अच्छे खूबसूरत बंद मुझे कहीं से ही मिलते रहे। अच्छा, उसमें करेक्शन करने की आदत हो गई कि ये यूँ इसको हटा के ये लगा दो, उसको हटा के, उसमें मैं शायर बन गया। तो गुड,
माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको भी सीख लिए बुला रहा था जी खाना देख लेंगे। मैं चाहूंगा मतलब दुनिया भर में अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे ऐसा काम ले कि आप दुनिया भर के अंदर उस पैगाम को जिस तरीके से साहबा ने पूरी दुनिया के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को पहुंचाया है, पूरी दुनिया में मदारिस, एक ऐसी यूनिवर्सिटी, एक ऐसा सिस्टम तैयार हो। और आपके साथ सबसे पहले मैं खुद को पेश कर रहा हूँ और उसके बाद पूरे कराची वाले जहाँ जहाँ दुनिया में मौजूद हैं आपके साथ खड़े। बहुत शुक्रिया, अल्लाह खुश रखे। खाने के बारे में क्या पूछना, खाने के बारे में उनकी मोहब्बत है वो आ गए। पेशावर वाले भी साथ हैं, कराची वाले भी, पेशावर वाले भी साथ हैं, क्या बात है। अरे पाकिस्तान वाले साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो मैं कह रहा था कि हर सोच किसी दिमाग से निकली है, हर सोच, मुफ्ती साहब सुनिएगा, हर सोच किसी दिमाग से निकली है और मैं भी किसी आयाक से निकली, हर सोच किसी दिमाग से निकली है, मैं भी मगर आयाक से निकली है। तू नूर ही नूर, मैं सरापा जुल्मत, कालक भी मगर चराग से निकली है। ये अल्लाह ही जानते हैं कि हम जैसे भी काले जैसे भी हैं, अल्लाह तू हमें माफ़ फरमा दे और हमारे लिए आसानी वाला मामला फरमा दे। मुफ्ती साहब दुआओं की दरख्वास्त है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। Subscribe to our fascinating and informative vlogs. Join us as we explore the world. Hit the subscribe button now.